नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। उत्तर पूर्व के 3 राज्यों में चुनाव संपन्न होते ही आज एग्जिट पोल के सर्वे जारी कर दिए गए हैं। सर्वे के अनुसार बीजेपी त्रिपुरा में जीतने का दावा किया जा रहा है, वहीं उसकी गठबंधन सरकार नागालैंड में बरकरार रखने का भी अनुमान एग्जिट पोल के मुताबिक लगाया जा रहा है। मेघालय में कोनराड संगमा की एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आ रही है। त्रिपुरा के लिए जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उन सभी का सर्वे जो है वो बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि नागालैंड में बीजेपी और एनडीपी को भी इस दौरान कुछ कम सीटें नजर आ रही हैं। मेघालय में कांग्रेस को 6 से 12 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वहीं एनपीपी को 18 से 24 सीटें जो है वो सर्वे में मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो लगातार त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में चुनाव हुए हैं, उसको लेकर एग्जिट पोल सामने आया है। उसमें मेघालय में एनपीपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, 18 से 24 सीटें जो है वो एनपीपी के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि यहां पर बीजेपी को 4 से 8 सीटें मिलती हुई एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। इसके साथ ही टीएमसी को 5 से 9 सीटें और यूडीएपी को 8 से 12 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में एक तरीके से जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसके रुझान सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक त्रिपुरा में एक बार फिर से बीजेपी जो अपनी सरकार दोहराती हुई नजर आ रही है। नागालैंड में भी अपने सहयोगी के साथ बीजेपी को जीत मिलती एग्जिट पोल के हिसाब से नजर आ रही है, जबकि मेघालय में एनपीपी को बड़ा बहुमत मिलते हुए नजर आ रहा है। और इस खबर पर चर्चा के लिए दिलीप एसवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जो हैं जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जो कहीं ना कहीं नागालैंड और त्रिपुरा को लेकर बीजेपी के लिए खुशी का सबब बन सकते हैं, जबकि कांग्रेस के लिए फिर से वही मुसीबत, जीत से कोसों दूर। किस तरीके से देखते हैं आप इस एग्जिट पोल को? पहले बात तो ये कि बीजेपी ने अभी तक ये तीनों राज्यों में इंडिपेंडेंट सरकार कभी नहीं बनाई थी। पिछली बार भी जो सरकार बनी थी वो अलायंस के साथ बनी थी, इस बार भी सरकार अलायंस के साथ बनने की उम्मीद है। और आईएनपी क्योंकि इनिशियल पार्टी है, उसने हर राज्य में करीब 4 से 5 बार सरकारें अपनी बनाई है जी। और जो पॉलिटिकल सिचुएशन और जो प्रॉब्लम्स हैं तीनों स्टेट्स की वो बड़ी डिफरेंट प्रॉब्लम्स, मतलब पॉलिटिकली बहुत चैलेंज इन प्रदेशों में जी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना इसलिए वहां पर संभव हो पा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समय केंद्र की सरकार में है और केंद्र की सरकार होने के कारण भारतीय जनता पार्टी बहुत सारा जो बेनिफिट है वो इन तीनों राज्यों को देने के लिए सहमत है और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा भी है जी। जैसे आप देखिए कि नागालैंड को लेकर के जो सेपरेट स्टेट बनाने की बात चल रही है उनके कल्चर और हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए बीजेपी ने इस बार मैनिफेस्टो में 1500 करोड़ रुपए अलाउंसमेंट कालीन के हेरिटेज को बचाने के लिए कर दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में होने के कारण बहुत सा बेनिफिट देने के लायक है, बहुत सारे अनाउंसमेंट वहां कर रखे हैं, प्लस जो स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की, स्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर था हमारा जो मेघालय में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बड़ा एक्ट था जी। जिसको अब भारतीय जनता पार्टी की वजह से वहाँ पहली बार सरकार बन पा रही है जी। उस पहली बार 5 साल की सरकार कॉन्टिन्यूस चलने जा रही है और इसके पहले वहाँ पर पॉलिटिकल मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेघालय में ऐसी नहीं थी जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। जो 2 पार्टी ने पहले किया था वो दोनों पार्टियां सेक्शन में 5 साल पूरा किया था, वरना वहाँ 18 महीने से 36 महीने के अंदर सारी सरकारें खत्म हो गई हैं। ये पहला ऐसा अलायंस होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रहा है वहां पर जी। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी है वहां पर सर्व करने की, प्लस जो वहां की लोकल प्रॉब्लम है, हर स्टेट की अलग अलग प्रॉब्लम है और हर स्टेट में देखिए आप एक अलग स्टेट बनाने की मांग है। त्रिपुरा वाले टिपारलैंड की मांग कर रहे हैं, मेघालय वाले अलग नागा मतलब नागा हिल डिस्ट्रिक्ट को अलग एक यूनियन ही बनाने की बात कर रहे हैं, मेघालय में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि ये प्रॉब्लम्स इश्यूज रिजॉल्व हों
और लगातार एलायंस के साथ जो लोकल वहां पर इन्फ्लुएंस वाली पार्टियों के साथ उन्होंने अपना संबंध बनाए रखा, सरकार चलाने की कोशिश करी, इसलिए इसी कारण से हो सकता है यहाँ की जनता को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शायद इनकी समस्याओं को सुलझा पाने में समर्थ होगी, इसलिए वो दोबारा मौका देने के लिए तैयार है। दिलीप जी, आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से बीजेपी जो है गठबंधन बनाने में सफल रही, वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी को जो सफलताएं मिल रही हैं, उनकी सहयोगी पार्टियों को जो सफलताएं मिल रही हैं, वो विपक्ष की असफलता है, जो वो गठबंधन में एक दूसरे पे वो भरोसा नहीं जता पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता में होती हैं, तो सत्ता में होने के बाद उनके पास सर्व करने के लिए पावर होती है, विपक्ष के पास जनता को सर्व करने की कोई पावर नहीं होती है जी। और जो पार्टी वहां पर है जिन्होंने भाजपा के साथ अलायंस करके सरकार बनाई, ऑल्दो भाजपा पावर में नहीं थी बट अलायंस के साथ एक तरीके से ये कहा जा रहा था कि भाजपा सहयोगी सरकार है और सहयोगी होने का फायदा ये है कि केंद्र में भी भाजपा बैठी है, तो प्रदेश सरकार को केंद्र सरकारों से जो सहूलियत चाहिए वो वहां पर केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से दी, जिसकी वजह से वहां पर जनता को फायदा मिला और उसी फायदे की वजह से जनता को लग रहा है कि ये अलायंस अगर काम कर गया तो शायद उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा, इसीलिए ये दोबारा चांस दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी, आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है, लेकिन फुल फ्लेज्ड सरकार भारतीय जनता पार्टी अगर बना ले गई तो बहुत बड़ा इंडिकेशन होगा 2024 के लिए। दिलीप जी, ये जो चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, हालांकि एग्जिट पोल में नागालैंड में भी और त्रिपुरा में भी बीजेपी के सहयोग की जो पार्टियां हैं उनके साथ सरकार बहुमत से बनाने की बात सामने आ रही है, इसका आने वाले जो दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं उस पर कितना फर्क पड़ता है नजर आ रहा है? और लोकसभा, जाहिर सी बात है बीजेपी जो है एक चुनाव खत्म होने के बाद ही दूसरे चुनाव की तैयारियों में शुरू हो जाती है, तो लोकसभा चुनाव में पूर्वोत्तर का एक तरीके से मैंडेट सामने आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर मोदी की जो लहर है वो अभी भी बरकरार है, खासकर चुनाव के परिणाम ये बता रहे हैं। जो 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 नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो तीन राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वहां पर अगर सरकार बन गई तो मोदी का इन्फ्लुएंस नहीं कहा जाएगा, लेकिन मोदी जी का इन्फ्लुएंस उसमें पार्ट जरूर है। मैंने भी आपसे कहा था कि क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो ये तीनों स्टेट में या तो राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस हावी रही है जी। या इसके साथ जो लोकल पार्टी है वो लोकल पार्टी हावी नहीं है, वहां पर नेशनल पार्टी का कोई रोल नहीं रहा है, इसीलिए आप देखिए भारतीय जनता पार्टी अब तक जब से ये राज्य इंडिपेंडेंट स्टेट बने हैं, जब से इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली बनना शुरू हुई है, 12-13 लगभग हर स्टेट में असेंबली हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक वहां पर इंडिपेंडेंट सरकार एक बार भी नहीं बन रही है जी। और अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंट सरकार बना ले जाती है तो ये अनडाउटली 2024 के लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन होगा अपोजिशन के लिए कि उनका पत्ता वहां से साफ हो जाए, क्योंकि वहां पर जो लोकल पार्टीज हैं, जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, और तृणमूल कांग्रेस का अच्छा खासा वहां पे जाना चाह रहा है, इसके बावजूद भी अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो ये भाजपा के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है जी। दिलीप जी, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच इलेक्शन के दौरान बात नहीं बनी, कि कहीं ना कहीं विपक्ष के जो आपसी सहमति है नहीं बन पाने की वजह से भी फायदा मिलता नजर आता है बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को, और आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पूर्वोत्तर में भी कांग्रेस और टीएमसी के बीच बात नहीं बनी, तो आने वाले चुनाव में ये दोनों पार्टियां साथ नजर आ सकती हैं परिणाम आने के बाद, या फिर ऐसे ही रस्साकसी चलती नजर आएगी, इन्हें इस हार से सबक नहीं मिलेगा? ऐसा है कि मेघालय में भाजपा ने वहां की लोकल पार्टी की सरकार बना रखी है जी। लेकिन जो इलेक्शन जब हुआ वहां पर जी। तो किसी पार्टी ने किसी के साथ अपना अलायंस ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया जी। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां की जो नेशनल पीपल्स पार्टी है जिसके सहयोग से इन्होंने सरकार बना रखी थी अभी जी। इन्होंने उनके ऊपर ही भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए। एनपीपी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एग्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी एंटी करप्शन पार्टी है, हिंदुत्व को बढ़ावा देती है जी। तो ये पॉलिटिकल लड़ाइयां चलती रही और आईएनसी और टीएमसी की आपस में मतलब किसी की नहीं बन पाई, सबका ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय के अंदर यही कहा था कि हमारी जो सबसे बड़ी अपोनेंट है वो टीएमसी,
तो टीएमसी को शायद ये लग रहा था कि क्योंकि बंगाली कुछ बंगाली पॉपुलेशन काफी है, बंगाली भाषा वहां पर प्रोमिनेंसी के साथ बोली जाती है, तो टीएमसी को ये लग रहा था, और क्योंकि नेबरिंग स्टेट भी है टीएमसी, बंगाल से नेबरिंग स्टेट है, वहां पर बांग्लादेश का इन्फ्लुएंस है, तो आज की डेट में बांग्लादेश पश्चिम बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था, तो शायद टीएमसी को लग रहा था कि वो इंडिपेंडेंट सरकार वहां पर बना ले जाएगी, और तीनों राज्यों में टीएमसी का धनाधार शायद ही अच्छा था दिलीप जी, टीपरा मोथा की भी त्रिपुरा में बात हुई थी, क्या लगता है ये जो चुनाव है इसका परिणाम कितना प्रभावित करता नजर आ रहा है, क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य की बात करते हैं, अलग टीपरा लैंड की मांग कर रहे हैं, तो इस चुनाव को कितना प्रभावित करता नजर आएगा, परिणाम को कितना प्रभावित करता नजर आएगा, और अगर परिणाम को प्रभावित करता नहीं नजर आ रहा है तो क्या बीजेपी आदिवासियों के हितैषी खुद को बताने में कामयाब रही कि जो लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी की रणनीति है, क्योंकि बार बार जो है वह आदिवासी समुदाय की बात उठाई जाती है, आदिवासी के हितों की बात बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से उठाई जाती है। देखिए, जो त्रिपुरा मोथा पार्टी है जो टिपार लैंड की डिमांड कर रही है वहां त्रिपुरा में, उसका सिर्फ एक ही एजेंडा है, यही एजेंडा है कि हमको टिपार लैंड चाहिए, और अगर विधानसभा चुनाव में उनका ये एजेंडा काम नहीं करेगा तो लोकसभा में बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के इश्यूज थोड़े दूसरे हो जाते हैं, विधानसभा चुनाव में अगर वहां की लोकल समस्याओं से किसी पार्टी को जीत नहीं मिलती है तो इसका मतलब उस लोकल पार्टी की समस्याएं उठाने में या तो कमी है या समस्या नहीं है, सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण है, वो जनता वहां की समझती है कि ये पार्टी अगर ये समस्या लेकर के हमारे बीच वोट मांगने आ रही है तो हमारा कोई भला नहीं, इनका अपना भला है। टिपार लैंड की मांग आज से नहीं चल रही है, जब से ये बना है टिपार लैंड, तब से त्रिपुरा जब से राज्य बना है तब से वहां पर अलग स्टेट की मांग चल रही है, लेकिन वो मांग आज तक सक्सेस नहीं हो पाई है। जो त्रिपुरा मोथा पार्टी है उसका अकेला सोल एजेंडा यही है कि हम टिपार लैंड को एक अलग स्टेट बनाएंगे, तो लेकिन वो एजेंडा अभी तक किसी इलेक्शन में बहुत इन्फ्लुएंस नहीं दिखा पाया है। अगर विधानसभा में भी ये जादू नहीं चल रहा है तो लोकसभा में तो बहुत असर नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। दिलीप जी, जिस तरीके से बार बार पीएम मोदी, खुद अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार जो है वो पूर्वोत्तर का दौरा करते हैं, उनके नेताओं की रैलियां, उनके नेताओं की जनसभाएं ज्यादा होती हैं अकॉर्डिंग टू कांग्रेस कहाँ पीछे रह जा रही है, जबकि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, उसे एक बड़ी जीत की दरकार है, लेकिन इन सब में वो कहाँ पीछे रह जा रही है, क्या कमी रह रही है जो कांग्रेस खुद को फिर से वो कांग्रेस बनाने से चूक जा रही है, जो पहले जीत की बात जो होती थी जहां पर बीजेपी नहीं थी वहां कांग्रेस पहले से थी, लेकिन अब कांग्रेस जो है वो सिमटती क्यों नजर आ रही है। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी में चेहरों की कमी नहीं है, बहुत सारे चेहरे हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा चेहरा हर इलेक्शन में सामने आता है, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, इवन पंचायत के चुनाव में बड़े बड़े चेहरे कैंपेन करने के लिए निकलते हैं, बाहर प्रदेश में निकलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का ये प्लस पॉइंट है। कांग्रेस के पास कोई चेहरा ऐसा नहीं है जिसकी पब्लिक में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस हो। राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी और सोनिया जी में भी वो बात नहीं है जो पब्लिक को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए। हालांकि इन्होंने जो अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, इनसे उम्मीदें थी कि इन तीन राज्यों के चुनाव में फर्क पड़ेगा, तो ये इनके लिए भी एक आईना होगा कि इनकी भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल हुई, और वो स्टेट जहाँ पर ये 5 से 6 बार सरकार बना चुके हैं आजादी के बाद से और वहां इंडिपेंडेंट असेंबली बनने के बाद से, अगर वहां उनके भारत जोड़ो यात्रा का असर नहीं हो पाता है तो इनको ये मानना पड़ेगा कि इनकी यात्रा में कोई दम नहीं था, इस तरह के चुनावी प्रचार था जिसको भीड़ तो जुटाई लेकिन वो भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि इस समय केंद्र के साथ साथ कई राज्यों में सरकार बना करके बैठी है और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनकी एक पहचान है, जिनको स्टार कैंपेनर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारती है और हमेशा उतारती है। और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी की प्रधानमंत्री जी भी हर चुनाव में प्रचार करने जाते हैं, जितने भी उनके मुख्यमंत्री हैं जो चर्चित हैं वो सब जाते हैं, और जो बड़े नेता हैं पार्टी के अध्यक्ष हैं जो भी हैं सारे के सारे चुनाव प्रचार में लग जाते हैं और जी जान से लग जाते हैं।
जी दिलीप जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जो भारत यात्रा निकाल रही है या फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है, उसे एक बार अपनी पार्टी की तरफ भी एक नजर वाली यात्रा डाल लेनी चाहिए कि जो स्टेट में इनके जो बड़े नेता हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, स्थानीय नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये वजह है जो इनकी हार का सबब बन रहा है। राहुल गांधी अकेले हर जगह नहीं खड़े हो सकते हैं, सोनिया गांधी नहीं खड़ी हो सकती हैं, प्रियंका गांधी के नाम पर हर जगह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जो इनके संगठन में आपसी कलह है नेताओं की, उस पे नजर डालने की जरूरत नहीं लगती आपको? बिल्कुल है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। देखिए अलका जी, मैनेजमेंट का एक रूल होता है डेलीगेशन ऑफ पावर एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो वो भारतीय जनता पार्टी में डेलीगेशन ऑफ पावर जो है और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नीचे लेवल तक है जब भी चुनाव की बात आती है। जी इंडियन नेशनल कांग्रेस में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बहुत बड़ी कमी है, यहाँ पर सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड हैं और जहाँ पर चीजें सेंट्रलाइज्ड होती हैं वो किसी एक जगह पर तो इफेक्ट डाल सकती है लेकिन हर जगह पे इफेक्ट नहीं डाल सकती है। कांग्रेस में सबसे बड़ी बुराई ये है कि जो नेता अच्छा है, जिसका चेहरा अच्छा है, जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा सकता है, उस चेहरे को कांग्रेस में प्राथमिकता नहीं है, कोई उसको प्रेफरेंस नहीं है। तो प्रेफरेंस नहीं होता है तो आदमी का उत्साह अपने आप खत्म हो जाता है। सबको लगता है कि अगर राहुल जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना है तो राहुल जी चुनाव लड़ते रहे, लेकिन अगर कांग्रेस इतनी हार के बावजूद भी अपना रिवीजन नहीं कर रही है, अपने ही स्टेप्स को रिव्यू नहीं कर रही है, तो ये इनका माइनस पॉइंट और ये इनको धीरे धीरे पीछे ही लेकर के जाएगा। अगर राज्यों के चुनाव में ये स्थिति बन रही है तो केंद्र की सरकार में इनका क्या, केंद्र के चुनाव में इनका क्या हाल होगा, ये अपने अंदाजा खुद लगा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर लेकर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस एक बार फिर से जो जिस जीत का इंतजार कर रही थी उसे मायूसी से ही काम चलाना पड़ेगा, ऐसा एग्जिट पोल की तरफ से कहा जा रहा है। जो एग्जिट पोल के रुझान सामने आए हैं उसके हिसाब से नजर आ रहा है, लेकिन अभी जो है मुख्य परिणाम आने बाकी हैं। जब मतपेटियां खुलेंगी और वोटों की गिनती होगी तब पता चलेगा कि किसके सर पर जीत का सहरा बनता है और किसे हार के स्वाद के साथ काम चलाना पड़ सकता है। तो नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय को लेकर एग्जिट पोल जो सामने आए हैं उसके हिसाब से त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और एग्जिट पोल के नतीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मोहम्मद आमीन, राजनीतिक विश्लेषक, लाइव जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आमीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि त्रिपुरा और नागालैंड में अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी जो है एक बार फिर से सरकार बना सकती है, आपका क्या कहना है एग्जिट पोल को लेकर? जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, जी इलेक्शन कमीशन इन बातों को सिरे से नकारता है जी। और इलेक्शन कमीशन की अथेंटिसिटी तब होती है जबकि उनके कैंडिडेट्स को सिग्नेचर करके सर्टिफिकेट उनके हाथ में मिल जाए जी। कि ये कैंडिडेट जीता जी। तो अब ये इनके जो पोल के रिजल्ट हैं ये अभी हम कह नहीं सकते कि क्या स्थिति होगी जब तक कि बैलेट पेपर्स के बैलेट मशीनें से हमारे वोट काउंट नहीं हो जाते तब तक इस बारे में कहना अति मुश्किल है। लेकिन जहां तक सवाल है, कई एग्जिट पोल आए हैं जो नागालैंड और त्रिपुरा के बारे में हैं, उसमें देखा जाए तो बीजेपी को बढ़त है जी। बढ़त किन कारणों से है कि उन्होंने वहां पर इससे पहले भी सरकार चलाई है और मिल करके और वहां के लोगों के अंदर विश्वास जीता है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है एज पर है और बीजेपी सरकार बना लेगी जी। जी आमीन जी, क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री मोदी ने जो अष्ट लक्ष्मी की बात कही थी वो पूर्वोत्तर के राज्य के लोग जो है उन्हें भाग गई है ये चीज, उन्हें लगता है कि अगर उनके क्षेत्र का जो विकास है वो बीजेपी के हाथों होना है, क्या यही वजह है कि जो जनता है वो बार बार जो है अब एक दूसरी बार बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों को एक मौका दे रही है? देखिए पिछले 70 सालों से वहां पर सरकार का पैसा जाता रहा और वहां पे लोकल लीडर जो थे जी। वो खाते रहे उनको,
मैं नहीं कहना चाहता कि पिछली सरकारें कौन सी थी, वो जाने और उनका काम जाने, लेकिन जहां तक सवाल है कि जब से मोदी जी ने संभाला है देश को, तो उन्होंने हरेक का विकास, हरेक का साथ और सबका विश्वास जीता है। उसके कारण वो पैसा जो है जो मद में जा रहा है, वो सरकार जो भेजती है वो सही पैसा उनके यूज में आता है। जनता देख रही है, स्वयं भी देख रही है और फील भी कर रही है, महसूस भी कर रही है कि जो उसको पैसा भेजा जा रहा है वो ना तो वहाँ के लोकल लीडर्स खा रहे हैं, बल्कि अगर सड़कें हैं, चाहे उनका विकास है, जो भी है, वो पॉजिटिव तरीके से हो रहा है, और अगर उसमें कोई गड़बड़ करता है तो उनको पकड़ा भी जाता है। तो अब जनता ये देख रही है कि कौन सा उनका अच्छा प्रशासक है, कौन सा उनको पैसा दे सकता है, और पैसा लग रहा है और उनके विकास में लग रहा है, और तो ये जनता का विश्वास है। जो जो जनता का विश्वास जीतेगा वो उसकी पार्टी जीतेगी। जहां तक सवाल है मोदी का और जहां तक गृह मंत्री जी का, ये लोग वहां पे जाते रहे और स्थिति पे नियंत्रण रखा है उन्होंने, और जो जो विभाग थे जिनका जिनका पैसा गया पूरा वहां लगा है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वहां पे सड़कें हो, चाहे वहां का विकास हो। पहले मैं आपको बताऊं, मैंने नागालैंड के चुनाव में, मैं ऑब्जर्वर भी रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये स्थिति थी कि वहां पर सीधा जाने का संपर्क साधन नहीं था, बल्कि कलकत्ता जाके हमें रुकना पड़ता था, गुवाहाटी जाके रात में रुकना पड़ता था, नेक्स्ट डे हमें फ्लाइटें मिलती थी। आज आप देखिए कि डायरेक्ट फ्लाइट दीमापुर भी जाती है, आज डायरेक्ट जो है तो मेघालय में जाती है, शिलोंग भी जा रही है, और आप देखिए जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो आपकी नागालैंड में और त्रिपुरा में जा रही है। पहले बड़ा ही प्रॉब्लम हुआ करती थी, वहां पे मेडिकल के जो लोग थे वो हेलीकॉप्टर से आते थे, सड़कें अच्छी नहीं थी, न सड़कों का विस्तार हुआ था। अभी मैं शिलोंग गया था तो मैंने देखा कि हम बाई रोड में आने में आसानी है, तो वहां की जनता जो है पैसा कम खर्च के अच्छी सुविधाएं चाहती है, जो कि सरकार जो पिछले साल के 5 साल रही है उसने किया है और जनता का विश्वास जीता है। इसके कारण मैं समझता हूँ कि ये इनके हित में होगा और बीजेपी जीतने की तरफ है। आमीन जी, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी को त्रिपुरा नागालैंड में जो जीत उनके सहयोगी पार्टियों के साथ उन्हें मिल रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से किए गए कार्य हैं, ना कि राज्य सरकार की तरफ से किए गए कार्य हैं? क्योंकि केंद्र में बीजेपी बैठी है, इसकी वजह से जो है पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास हो रहा है और खुद राज्य में भी उनकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ है वो बीजेपी राज्यों में भी उठाती हुई नजर आ रही है। देखिए, मैंने वहां के मुस्लिम्स को भी, त्रिपुरा के मुस्लिम्स को भी कहते सुना है कि वहां पहले जो MLA जीता करते थे वो सुरक्षा में रहते थे, उनके पास कोई जा नहीं सकता था, अपनी बात कह नहीं सकता। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, इनके वर्कर या MLA या MP या मिनिस्टर, इनके जीतने के बाद भी जनता के सीधे संपर्क में रहते हैं, उनके कार्य, उनके लोगों को कार्य कराते हैं और उसमें रुचि लेते हैं। इससे पहले की जो सरकारें थी उसमें जीतने के बाद वो लोग सिर्फ अपने ऐशो आराम से लगे रहते थे, जिसका कारण थी जनता से उनका संपर्क टूट जाता था। जी अमीन जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस और विपक्षी दल के जो जो दल है वो पीछे क्यों रह गया, क्यों, क्या वजह रही कि वो बीजेपी की नाकामियां गिनाने में असमर्थ रही, इस वजह से लोगों ने नकारा एग्जिट पोल के हिसाब से, हालांकि अभी जो मुख्य परिणाम है वो आने वाले हैं, या फिर ये आपस में इनका तालमेल नहीं रहा इस वजह से बीजेपी को भी फायदा मिला? देखिए, पिछले 70 सालों के कामों को जनता ने देखा है और पिछले 5 वर्ष के कामों को देखा है जी। और वो जनता चाहती है कि ऐसे लोगों को हम चुने जो हमारे संपर्क में हो, हमारे फायदे के हो। आज जनता को बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता जी। आमिर जी, क्या लगता है आपको, जो विधानसभा में जिस जीत की उम्मीद जताई जा रही है, एग्जिट पोल में ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो सरकार बनाएगी अपने सहयोगी दलों के साथ, क्या अगर जो मुख्य परिणाम आते हैं उसमें भी बीजेपी जीतती है तो उसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी उसे पूर्वोत्तर में मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, अभी ये तो 3 प्रदेश ही है, जिसके साथ में आने वाले भी 9 प्रदेश है, अगर कश्मीर का चुनाव होगा तो 10 प्रदेश होंगे जी। ये सेमीफाइनल है और 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शन जो होंगे वो फाइनल होंगे,
तो इसलिए बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा रखा है, पूरा ध्यान दिया हुआ है, और इलेक्शन से पहले जो सुविधाएं जनता को दी जानी चाहिए उनको दी जा रही है और बराबर दी जा रही है। जी आमिर जी, विपक्ष को जो हार मिलती नजर आ रही है एग्जिट पोल में, इसके पीछे की वजह क्या रही है आपकी नजर में? आपको क्या लगता है कि विपक्ष किस वजह से चूकता जा रहा है और बीजेपी जो है वो जीत रही है? क्या विपक्ष में आपसी तालमेल नहीं है, इस वजह से भी बीजेपी को जीत मिल रही है, या फिर वो खुद ही वो मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं जिस तरीके के मुद्दों पर विपक्ष को बात करनी चाहिए? विपक्ष एक नहीं है नंबर एक, ना उनमें एकता है जी। जब वो अलग अलग होकर लड़ेंगे जी, तो उनका यही हाल होने वाला है जी। एक तरफ बीजेपी जो है अपने सहयोगों को लेकर चल रही है और जनता को लेकर चल रही है, और उससे सबसे बड़ी बात जनता का विश्वास जीता है, और जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबके लिए और सबका विश्वास, उसके तहत ये बीजेपी आगे बढ़ रही है और उसके अंदर कोई करप्शन नजर नहीं आता है। इससे पहले की सरकारों में करप्शन ही करप्शन था जी। आमिर जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके के मुद्दे विपक्ष उठाती है, पीएम मोदी कहते हैं कि बस ये जो एक ही तरीके का मुद्दा पाते हैं फिर उसे हवा हवाई उसका पुल बांधते हैं, एक ही मुद्दे पर बात करते हैं, क्या नहीं लगता आपको कि जो विपक्षी दल हैं उन्हें बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, उन्हें महंगाई के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, और अगर इस मुद्दे को विपक्ष जो है वो पुरजोर तरीके से उठाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है वो, जबकि दूसरे मुद्दे पर बात करने की बजाय? पिछले 2 सालों में जी, बीमारी के कारण जो अंतरराष्ट्रीय बीमारी थी जी, उसके तहत सभी देश इफेक्ट हुए हैं, उसमें हमारा देश भी इफेक्ट हुआ है, और मोदी जी अभी आप देखिए कि जो G20 समिट हो रही है जी, उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि ग्लोबल समिट हुई, ये अपनी मार्केटिंग करके आए, और अभी योगी जी ने भी बहुत बड़ी समिट की है, इसके तहत बड़े बड़े उद्योगपति विदेशों के और जो हमारे NRIs हैं वो सब देश में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो इसमें रोजगार की पैदा होगा और लोग आएंगे और यहाँ पे इंडस्ट्रीज खुलेंगी यहाँ पे और लोगों के साधन होंगे, और जिसके तहत ये हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार पूरे यत्न प्रयत्न कर रही है, पूरी मदद करने की कोशिश कर रही है, और जिसका नतीजा ये होगा कि आने वाले 24 में पार्लियामेंट में भी मोदी जी की जीत होगी। अमीन जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि विपक्ष किस किस जगह पर फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्षी दल भी जो है उनको को लगातार कोशिश करते हैं कि उन्हें जीत मिले, लेकिन कौन सी ऐसी वजह है कि लोग जो है बीजेपी पर लगातार जो है एक बार फिर से अपना भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष को एक तरीके से नकारते हुए नजर आ रहे हैं? या फिर जीत का वो मैंडेट विपक्ष के हाथ में नहीं दे रहे हैं जो भरोसा वो बीजेपी पर जता रहे हैं? देखिए, आपको और जनता को, देश को, इन सबको विश्वास होना चाहिए कि पहले की जो सरकारें थी उनका कार्यकाल देखा, उनका कार्य प्रणाली देखी, कार्य करने की क्षमता देखी, और उसमें क्या कमियां रह गई जिसकी कारण से वो दोबारा नहीं उठ पा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि उस समय भ्रष्टाचार था, उसमें काम नहीं होते थे, आज लोगों के काम हो रहे हैं, उनको किसी तरह का भ्रष्टाचार उसमें सामने नहीं है, इसलिए अपोजिशन एक नहीं हो पा रहा। आमीन जी, क्या लग रहा है आपको जो आदिवासी समुदाय है उसका कितना योगदान इन चुनाव में नजर आता है, क्योंकि त्रिपुरा में ट्रिपल एन की मांग जो उठ रही है, और अगर चुनाव का परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ रहा है तो क्या लगता है कि त्रिपुरा मोथा का भविष्य जो है वो क्या कुछ होगा त्रिपुरा में? अब देखिए, मोथा के लिए जहां तक सवाल है, पहले बीजेपी के साथ लड़े वो ट्राइब है लोकल, अब अलग होके लड़ रहे, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है जी, तो उसका नतीजा ये होगा कि वो सबके लिए काम करेगी, सिर्फ मोथा ग्रुप के लिए काम नहीं करेगी, जो भी वह नागालैंड में रह रहे हैं, जिस जात के लोग रह रहे हैं, जिस धर्म के लोग रह रहे हैं, सबको फायदा होने वाला है जी। आमीन जी, आपको क्या लगता है आदिवासियों का मुद्दा जो है लगातार सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने एक सबसे पिछड़े वर्ग से राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, और बार बार बीजेपी नेताओं की तरफ से अब शेड्यूल ट्राइब्स की बात की जाती है, हर मुद्दे में शेड्यूल ट्राइब के विकास की बात की जा रही है, तो क्या लगता है कि लोकसभा के चुनाव में जो
पिछड़ी जनजातियां हैं उनका क्या रोल नजर आएगा आपको, और पूर्वोत्तर के राज्यों में जो जीत मिल रही है उसे कितना कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं आदिवासी वोटों से? देखिए, सरकार को, बीजेपी को अब तो जो कहना चाहिए, हिंदुओं का तो वोट मिल ही रहा है, ट्राइबल्स का वोट मिल रहा है, हरिजनों का वोट मिल रहा है, बल्कि अब मुसलमानों का भी 20% वोट आने वाले पार्लियामेंट में 20% ज्यादा हो सकता है। ये कारण है कि मोदी जी की पॉपुलरिटी है, उनका जो विश्वास है और विकास का नारा है वो सबके लिए है, एक जाति स्पेशल के लिए नहीं है। जैसे पहली सरकारें थी उनमें ये होता था कि हम मुस्लिम्स को ये दे रहे हैं, आदिवासी को ये दे रहे हैं और अनुसूचित जात को ये दे रहे हैं। अब एक ही नारा है मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए, तो वो सबको दिख रहा है। लेकिन अमीन जी, खुद मोदी जी भी बार बार कहते हैं कि आदिवासी भाई बहनों का जो है वो शोषण हुआ है, उन्हें जो अधिकार मिलना चाहिए था पिछली सरकारों ने वो नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया जा रहा है आदिवासी का, जिस तरीके से हर हर जनसभा में आदिवासियों की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो क्या लगता है आपको कि मैं ये कह रही हूँ कि आदिवासी इस बार मुद्दा बड़ा बनने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी की बात की जाती है, उन्हें रुझाने की बात की जाती है, कुछ ओबीसी वर्ग को विशेष जो है वो कोटा देने की बात की जाती है, ऐसे मुद्दे भी उठते रहते हैं, तो क्या अब मान लिया जाए कि आदिवासी वर्ग भी अब एक राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके लिए एक विशेष वर्ग बनता गया है, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर आदिवासी जो जनजाति के लोग हैं उनके खेमे में आ जाते हैं तो उनकी जीत जो है वो थोड़ी और पक्की होती नजर आ रही है, यही वजह है कि बार बार बीजेपी की तरफ से आदिवासियों की बात की जाती है? जहां तक सवाल है कि किसी वर्ग विशेष के लिए, मैंने पहले ही कहा ये सरकार नहीं, ये सरकार सबके लिए है और सबके हित को देखने के लिए है और सबको फायदा पहुंचाने के लिए, सबके कामों के लिए। तो इसलिए ये जो बातें की जाती हैं कि किसी एक वर्ग को अलग से दिया जाएगा, वो कुछ नहीं होगा, वो पूरे देश की जनता एक है। देश के 132 करोड़ जो लोग हैं उनको सबको एक ही नजर से प्रधानमंत्री देखते हैं, सरकारें देखती हैं स्टेट की, और उसी का नतीजा है इन सरकारों को दोबारा फायदा मिल रहा है, जिसमें बीजेपी एज पे है और पिछले 5 साल भी उसने त्रिपुरा काम किया और नागालैंड में किया, मेघालय में, तो आप देखिए इसी का फायदा उनको नागालैंड और त्रिपुरा में मिलने वाला है। अमीन जी, इस अगर जीतती है त्रिपुरा में बीजेपी और नागालैंड में उस सहयोगी पार्टी के साथ सरकार बनाती है, तो आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए कितना बूस्टर साबित होगा? और आप कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ती है, तो क्या आगामी जो विधानसभा है राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उनमें भी जो बीजेपी है वो इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, या फिर वो मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा क्योंकि राम और का जो मुद्दा है वो पूर्वोत्तर में नहीं चलता है, वहाँ पे लोगों को विकास चाहिए, लेकिन बाकी सारे राज्यों में चलता है, बाकी सारे राज्यों में हिंदू मुसलमान होता है, तो क्या आपको लगता है कि जो विकास का मुद्दा पूर्वोत्तर में था अब दूसरे राज्यों में भी जारी रहेगा या फिर मुद्दा कुछ और होगा? नहीं, देखिए ये सीधी सी बात है कि जहाँ जहाँ सरकारें नहीं है बीजेपी की, वहाँ पे जनता देख रही है कि क्या काम हुआ है। और जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इसमें किस तरह से काम हुए हैं, इन कामों का ध्यान रखा जाएगा और उस हिसाब से जनता वोट देती है, ऐसा कोई दूर नहीं है। अपने राजस्थान की बात की, वो हरियाणा के बराबर में भी है और उत्तर प्रदेश के भी बराबर में भी है, तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा क्या काम कर रहा है उसका रिजल्ट हरियाणा और आपके राजस्थान पे पड़ेगा, मध्य प्रदेश में पड़ेगा, तो वहां पर एज बीजेपी का ही रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद अमीन जी हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो लगातार जो है त्रिपुरा, नागालैंड में बीजेपी की जीत जो है एग्जिट पोल में दिखाई जा रही है, लेकिन मुख्य नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि जनता ने किसके ऊपर भरोसा किया, किसे जीत का सहरा बांधा और किसके हिस्से हार का स्वाद लिखा। इस बार
हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान समाजवादी पार्टी का करीबी निकला है। उसकी कई फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है। इसमें एक फोटो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भी सदाकत नजर आ रहा है। उनके कंधे पर सपा का पट्टा है। उसके अलावा सदाकत खान अतीक अहमद परिवार का भी करीबी बताया जा रहा है। अखिलेश के साथ सदाकत की तस्वीर सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच गया है। आपको बता दें कि उमेश पाल की हत्या की साजिश जो है वो मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में रची गई थी और साजिश रचने में शामिल शख्स भी अधिवक्ता सदाकत अली खान निकला। वो मुस्लिम बोर्डिंग के अवैध रूप से रहकर नेतागिरी और अन्य गतिविधियों में संलिप्त बताया जा रहा है। इस हत्याकांड के शूटर गुलाम ने उसके साथ मिलकर वारदात की पहले ताना बाना बुना और बीजेपी के एक पूर्व विधायक के साथ भी उसके इंटरनेट मीडिया पर फोटो डाली जा रही है। इसका मिलना जुलना मोहनदौरी के गुलाम से हुआ। गुलाम अक्सर उसके पास मुस्लिम हॉस्टल के कमरे में आने लगा। गुलाम का भी पूर्व विधायक के साथ उठना बैठना बताया जा रहा। हालांकि फिर उसने पूर्व विधायक से दूरी भी बना ली और उमेश पाल हत्याकांड में अब उसका नाम आ रहा है। अतीक गैंग में भी शामिल रहा है। पुलिस आयुक्त के मुताबिक गुलाम ने सदाकत के कमरे में उमेश पाल हत्याकांड की रूपरेखा तैयार की और फिर उमेश पाल की हत्या की। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एक तरफ जहां सपा बीजेपी सरकार के शासन पर सवाल उठा रही थी, वहीं अब सदाकत का अखिलेश यादव के साथ फोटो सामने आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। लोग सदाकत को समाजवादी पार्टी से जोड़ते नजर आ रहे हैं और जो कोशिश मुद्दे को भुनाने की वहीं मिर्जापुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत विंध्याचल धाम पहुंचे और विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की। साथ ही निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर भी पहुंचे जिसके बाद मोहन भागवत प्रयागराज के लिए रवाना हुए। तो तस्वीरें देख सकते हैं, विंध्याचल की तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मोहन भागवत माँ विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान मोहन भागवत ने विंध्य कॉरिडोर जाकर वहाँ के निर्माण कार्यों को भी देखा और उसके बाद प्रयागराज रवाना हुए। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर दौरा करते हैं, आरएसएस की नीतियों रीतों का प्रचार प्रसार करते हैं और राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद की बात करते नजर आते हैं। और अब वो माँ विंध्यवासिनी के दरबार में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें विंध्य कॉरिडोर से है जहां पर माँ विंध्यवासिनी की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आपको बता दें कि माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए विंध्याचल पहुंचे थे मोहन भागवत। ब्यूरो रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।